राज्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद गुड़गांव की ओर से करनाल के राजकीय गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय जवाहरलाल नेहरू प्रदर्शनी का आयोजन जिला शिक्षा विभाग की ओर से किया गया। इसमें लगभग 108 मॉडल प्रस्तुत किए गए। इस प्रदर्शनी में लगभग 200 छात्रों ने भाग लिया। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 6 टीमें रखी गई हैं, जिसमें हेल्थ, पर्यावरण, ट्रांसपोर्ट, मैथमेटिक्स और गेमिंग भी इसमें शामिल है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथि ने बच्चों के मॉडल को देखा और उनकी जमकर तारीफ भी की। इस दौरान बच्चों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विज्ञान के बारे में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना रहा है। कल इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेता प्रतिभागियों के नाम भी घोषणा की जाएगी। देखिए विज्ञान प्रदर्शनी की आकर्षक झलकियां। ये 2 दिवसीय जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन जिला शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग हमारे आज 108 मॉडल प्रेजेंट हुए और उनके साथ लगभग हमारे 200 बच्चे और छात्रों ने भाग लिया। ये 2 दिवसीय प्रोग्राम है। इसके अंदर 6 सब थीम है, वो स्वास्थ्य है, वो हेल्थ है, वो पर्यावरण है, वो ट्रांसपोर्ट है और वो हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग, गेमिंग का भी हमारा प्रोग्राम है इसमें। जो ये इसके अंदर आज जिला अधिकारी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था और उन्होंने बच्चों के मॉडल को सराहा। इसमें बताया गया है, बच्चों ने बताया कि किस प्रकार से हम कैसी सड़क बना सकते हैं, अगर पानी भी होगी तो पानी में उस सड़क में ही टूटेगी। अब बच्चों ने अपनी प्रतिभा इसमें दिखाई है और कल इसका जो परिणाम घोषित किया जाएगा, उम्मीद करते हैं कि उसमें हमारे उपायुक्त महोदय पधारेंगे। हाँ, कौन सा स्कूल आपका सामने से? कौन सा कुटेल है सर? तो ये किस चीज के साथ बनाया गया आपने? ऊपर देख के बता। पेपर किया सर, नीचे करता जी, मूल नहीं जानता जी कैमरा का। एटीएम सिक्योरिटी सिस्टम है ये, इसमें रेक्टिफायर की मदद से बनाया है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और उसी का सामान लगाया है ये। अगर कोई चोर आएगा और एटीएम को कोई भी मूवमेंट करेगा तो ये दरवाजा बंद हो जाएगा और कोई भी किसी भी चीज से अगर खोलने की कोशिश करेगा ना तो उसको करंट लगना है और खुलने का नहीं है। और जब सुबह मैनेजर आएगा उसके पास की कोड होगा और वही उससे खोल सकता है, बाकी किसी से नहीं खोलेगा ये। ये तो आम जन भी इसको हाथ लगाएगा उसको भी करंट लगेगा? नहीं लगना। सुबह जब तक एटीएम को वही खोल सकता है, क्योंकि अगर ये बंद होगा कौन पागल हाथ लगाएगा इसको। जब कौन सा स्कूल आपका? सर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज करनाल रेड रोड। क्या नाम है? सावर। जितना भी वेस्ट वाटर हम यहाँ पर इकट्ठा करेंगे, स्क्रीन टेम्पर मैंने एक गाड़ी लगवाई है जिसके आज चंपल की रबड़ को यहाँ पर रोक सकते हैं। उसके बाद हमारा वाटर ग्रिड टेम्पर करता है, जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो ग्रेविटेशन के कारण यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा। क्या बनाया है ये? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है। उसके बाद हमारा वाटर स्टीम टैंक में जाता है। अब इस वाटर में ऑयल है, ग्रीस है, उसको हम यहाँ पर रिमूव करेंगे। उसके बाद हमारा वाटर जो प्राइमरी सेडिमेंट टैंक में जाता है, कुछ ऐसे भी पार्टिकल होते हैं जो पानी के वाफ के साथ आ जाते हैं, उनको हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हमारा वाटर इरिगेशन टैंक में जाता है, इसमें हम एयर का फ्लो करेंगे जिससे बबल्स पैदा होंगे। बबल्स पैदा होने के बाद जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मैटर है उनको हम यहाँ पर किल करेंगे। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।